हेलो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि आज पूरा जो देश यानी देश पूरा विश्व की हम बात करें तो सभी लॉकडाउन में है। और लॉकडाउन का मेन रीजन है वो है COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 19 के चलते हमारा देश लॉकडाउन में है और हम सब अपने परिवार के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस लॉकडाउन को कैसे यूटिलाइज किया जाए, और सभी लोग यूटिलाइज कर भी रहे हैं और हर डिसएडवांटेज के साथ कुछ एडवांटेज होता है, तो इस लॉकडाउन को कैसे उपयोगी बनाया जाए, इसी से रिलेटेड है मेरा ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि क्या ये हमारे ऊपर काम कर रहा है कि नहीं, और नहीं कर रहा है तो इसको हम कैसे यूज में ला सकते हैं, जो पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, अभी लॉकडाउन में लोग क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है। जो लोग जॉब में हैं वो संभव है तो अपना काम घर से कर रहे हैं, या अपने पर्सनल वर्क कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा हॉबी हो, इंटरेस्ट हो जो मैं अपने बिजी लाइफ के कारण नहीं कर सका, वो इस लॉकडाउन में कर रहा हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, पर्सनल वर्क से रिलेटेड हो सकता है, मेरे फैमिली से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, तो फैमिली मेंबर से रिलेटेड कोई काम है जो पेंडिंग है, हमें टाइम नहीं मिला, उसको मैं कर सकता हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है कि हम एक ऐसा काम जो टाइम के अभाव में, हमारे बिजी लाइफ के अभाव में नहीं कर पाए हैं और उसका हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है, उसके बिना हमारा लाइफ जो है एक गलत डायरेक्शन में मोड़ ले लेता है, तो वो काम है कि अपने लव अफेक्शन या रिलेशन को विद फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो हम इस लॉकडाउन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो पॉइंट्स क्या हैं। तो जो पॉइंट्स है वो है लव लैंग्वेज। देखिए, किसी भी चीज़ को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, किसी के बातों को या किसी के भावना को समझने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। उसी तरह से प्यार को समझने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है, जिसे प्रेम की भाषा बोलते हैं। और ये जो पॉइंट्स है मैंने गैरी चैपमैन की बुक द 5 लव लैंग्वेज से लिया है। इन्होंने इस बुक में कुछ लव लैंग्वेज बताए हैं जो क्या है और उसको हम कैसे इन दिनों यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने खोए हुए प्यार को, अपने खोए हुए रिलेशन को, अपने बिगड़े हुए रिलेशन को बोले तो कैसे हम सुधार कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये गैरी चैपमैन के अकॉर्डिंग जो हमारी जो लव लैंग्वेज है, जो 5 तरह की होती है और हर व्यक्ति का अपना एक लव लैंग्वेज होता है, हर व्यक्ति अपने आप के प्यार को समझने को, समझाने का उसका अलग तरीका है, अलग लैंग्वेज है, किस भाषा में समझता है, वो इन्हीं 5 में से एक हो सकता है। पहला वर्ड ऑफ अफर्मेशन, सेकेंड क्वालिटी टाइम, थर्ड रिसीविंग गिफ्ट, फोर्थ एक्ट ऑफ सर्विस एंड फिफ्थ फिजिकल टच। लेकिन अगर हम इन दौरान लॉकडाउन के समय देखें तो जो रिसीविंग गिफ्ट्स है इसको हम इस जो 5 पॉइंट है उससे अलग करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हो सकता है हमें गिफ्ट के लिए बाहर जाना पड़े, ये हम अभी नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वो है वर्ड ऑफ अफर्मेशन, क्वालिटी टाइम, एक्ट ऑफ सर्विस एंड फिजिकल टच। तो पहला जो वर्ड ऑफ अफर्मेशन, मान लीजिए कि हम किसी क्या तारीफ करना, हो सकता है हमारे लिए मायने नहीं रखता हो लेकिन जो सामने वाला है उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आप इन दिनों अपने फैमिली मेंबर के साथ हैं तो आपका हो सकता है वो पेरेंट्स का रिलेशन हो, अपने बच्चों के साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, वो हम एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं, उसके लिए अच्छे शब्द नहीं बोलते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हो सकता है कि वर्ड ऑफ अफर्मेशन उसका लैंग्वेज, और कोई आपका नियर एंड डियर काम करता है और उसको आप तारीफ कर दें, अप्रिशिएट कर दें, हो सकता है वो खुश हो जाए, उसको अच्छा लगता हो, तो ये हो सकता है वर्ड ऑफ अफर्मेशन के तरीका से अपने प्यार को जता सकते हैं। दूसरा है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम क्या है, अभी हम अपने सभी फैमिली मेंबर के साथ हैं, क्वालिटी टाइम हमने हो सकता है बहुत अपने पास्ट में जाकर देखें तो टाइम नहीं व्यतीत किया हो, इन दिनों हम अपने क्वालिटी टाइम को अपने फैमिली मेंबर के साथ व्यतीत कर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि हमारा प्यार संबंध बढ़े। एंड तीसरा है एक्ट ऑफ सर्विसेज। एक्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब है कि आपका जो एक्शन या वर्क है वो दूसरे के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है और आपके संबंध और प्यार में कैसे ये फायदा हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप किसी को काम करके अगर हेल्प कर देते हैं या सामने वाले को लगता है कि नहीं ये हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दूसरा का ये भी लैंग्वेज, और इन दिनों ये बहुत ही अच्छा मौका है
अब अपने फैमिली मेंबर के काम में हाथ बटाएं, उनका काम करें और उनको हेल्प करें, यानी सब लोग कर भी रहे हैं। एक ये भी तरीका है, एक्ट ऑफ सर्विस, जैसे आप अपने प्यार को समझा सकते हैं, सामने वाला को अच्छा से रिसीव कर सकता है। एंड लास्ट है फिजिकल टच। फिजिकल टच का मतलब यहाँ सेक्सुअल टच से नहीं है, ये किसी भी के साथ हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स के, अपने बच्चों के साथ हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है। तो फिजिकल टच, गले लगना, हग करना, एक दूसरे से मिलना, ये एक भी एक लैंग्वेज हो सकता है प्यार को समझे और समझने और समझाने का। तो मैंने इस वीडियो में यही पॉइंट्स जो डिस्कस किया कि एक दूसरे को समझने के लिए, समझाने के लिए एक लैंग्वेज होता है, और वो लैंग्वेज हमको समझना जरूरी है कि मेरा जो सामने वाला है वो किस भाषा को समझता है, उस भाषा के माध्यम से, उस लैंग्वेज के माध्यम से हम अपने प्यार को समझा सकते हैं और हमारा अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे मैंने इस 5 लव लैंग्वेज बुक का जो समरी है उसका मैंने वीडियो बनाया है, उसको अभी रेफर कर सकते हैं। और इन दिनों मेरा वही आग्रह है आप लोगों से कि खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू ऑल।